Dear students, in today's class we are going to study about difference amplifier or subtractor. This is also an application of op-amp. Operational amplifier का ये भी एक application है. इस applications में हम लोग देखेंगे कि अगर input एक से ज़्यादा terminal, दोनों terminal पे है, यानी कि inverting या non-inverting पे है, तब उसे हम लोग difference amplifier कहते हैं. यानी कि difference of दो input को amplify करता है. ओके और एज वी नो दैट इट इज द पार्ट ऑफ इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग KEC 101 एंड 201B सिलेबस और AKTU फर्स्ट ईयर सिलेबस के अंदर में आता है. दैट इज पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के नाम से था, अब इसे इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहा जाता है. नाउ माय नेम इज हरि मोहन राय और चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो द हेडिंग इज डिफरेंस और वी कैन से डिफरेंस एम्पलीफायर और वी कैन से सबट्रैक्टर. डिफरेंस एम्पलीफायर और सबट्रैक्टर वी कैन से. सो डिफरेंस एम्पलीफायर का मतलब जो डिफरेंस करे, यानी कि दो इनपुट्स को डिफरेंस करे, और सबट्रैक्टर मतलब मेन यानी कि सबट्रैक्शन प्रोसेस को प्रोड्यूस करे. तो डिफरेंस एम्पलीफायर और सबट्रैक्टर. ओके तो चलिए हम देखते हैं, इसको शुरू करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. और इट इज देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिकॉज बाकी से थोड़ा सा अलग है. यू कैन राइट इट, दिस द इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके कैसे अलग है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सबसे पहले एक बार डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग पहले करते आ रहे हैं. डिफाइन फर्स्ट डिफिनेशन. तो अंडर डिफिनेशन हाउ विल डिफाइन इट, द डिफरेंस एम्पलीफायर. वी कैन राइट इट आउट हियर, द डिफरेंस एम्पलीफायर is an op-amp circuit, very simple word mein, is an operational amplifier circuit, because hum log operational amplifier ka application padh rahe hain, is a op-amp circuit which produces, jo ki produce karta hai the amplified output. Of course amplifier hai to amplified output produce karna chahiye, amplified output of the difference between two input, the difference of two inputs. ओके यानी कि दो इनपुट्स के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है, इसीलिए इसको डिफरेंस एम्पलीफायर और सबट्रैक्टर कहा जाता है. तो चलिए हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट कैसे बनता है. यहां पे सर्किट डायग्राम. इन सर्किट डायग्राम आप हम देखेंगे कि सर्किट डायग्राम इस पे दोनों पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं, जस्ट लाइक दिस. यानी कि माइनस टर्मिनल पे भी इनपुट होगा V1, जैसे कि हम लोग पहले से ड्रॉ करते आए हैं, दिस इज द फीडबैक पाथ. और सेकंड प्लस वाले पे भी इनपुट होगा, लेकिन प्लस वाले पे डायरेक्ट इनपुट देने की बजाय हम कुछ रेसिस्टेंसेस का यूज करके हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं इस तरीके से. क्यों दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस लेटर करेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों टर्मिनल पे निगेटिव यानी कि इनवर्टिंग एंड प्लस यानी पॉजिटिव यानी कि नॉन इनवर्टिंग दोनों टर्मिनल पे अगर हम इनपुट देंगे, ठीक है, चाहे वो एक या एक से ज्यादा हो, दैट इज अनदर थिंग्स, लेकिन दोनों पे अगर इनपुट होगा तो क्या कहलाएगा, डिफरेंस. यानी कि आपको सिर्फ यही चीज देखनी है कि क्या दोनों टर्मिनल पे इनपुट दिया जा रहा है. अगर दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये डिफरेंस एम्पलीफायर है. अगर दोनों में से सिर्फ किसी एक पे है तो वो डिफरेंस एम्पलीफायर नहीं कहलाएगा. हाँ ये हो सकता है कि दोनों पे एक से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे V1 और एक अगर VX भी हो और यहाँ पे V2 और एक V3 भी हो, तब भी ये डिफरेंस एम्पलीफायर ही कहलाएगा. अंडरस्टैंड, यानी कि क्यों, क्योंकि दोनों टर्मिनल पे आपने इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज द मेन थिंग्स टू अंडरस्टैंड. तो इसी वजह से जो अभी हमने सर्किट ड्रॉ किया है, इसी वजह से इस सर्किट को हमने ड्रॉ किया हुआ है, ताकि अगर आपको यहाँ पे एक से ज्यादा भी इनपुट आ जाए नॉन इनवर्टर टर्मिनल में, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सके. तो चलिए इसको हम सर्किट डायग्राम का यहाँ पे नाम दे देते हैं, यानी कि रेजिस्टेंसेस का R1, इसको हम लोग RF देते आए हैं, इसका क्योंकि ये V2 है तो इसको हम R2 रख देते हैं, और इसका नाम हम दे देते हैं R3. ओके तो सर्किट डायग्राम के बारे में हम कुछ शुरू से एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज आप इस क्वेश्चन को नथिंग थ्योरेटिकल ऑल्सो वी हैव टू राइट इट आउट. एग्जाम में आता है अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, तो दिस प्रोसेस यू हैव टू फॉलो. अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल है, तो वो तो हम इसके बाद सॉल्यूशन से देख ही लेंगे, बट पहले अगर हम इसको लिखने के लिए आता है तो कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, द इनपुट्स
V1 and V2 are provided to both terminals. That means inverting and non-inverting respectively. Clear? Inverting respectively. And now एक और लाइन एक और पॉइंट में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट में हम ये रेसिस्टेंसेस के बारे में थोड़ा लिख दें. सो द रेसिस्टेंसेस R1 and RF इज कनेक्टेड टू इनवर्टिंग टर्मिनल एंड R2 and R3 are connected. यहाँ भी R कर देते हैं. Are connected to non-inverting terminal. Okay. यही जैसे हम लोग शुरू से लिखते आ रहे हैं. Non-inverting terminal as shown in the circuit diagram. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं कि अगर इस तरीके से आता है तो हम थ्योरेटिकल पोर्शंस में हम लोग सॉल्व करेंगे. नाउ अब आते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन यानी कि इसके एक्सप्लेनेशन पे. इसको हम आगे की अगर इसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे. सो एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट. ठीक है. सो थर्ड तीन स्टेप हम सॉल्व करते हैं इसको. एक्सप्रेशन फॉर द और आउटपुट के लिए हम लोग एक्सप्रेशन के लिए क्या करेंगे. इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टेप क्या फॉलो करेंगे. तो मैं दोबारा से उस सर्किट को ड्रॉ करता हूँ बिकॉज सर्किट डायग्राम जो अभी तक हम लोगों ने ये किया था इसको यहाँ पे दोबारा देखिए. और आप लोग को एक छोटा सा स्टेप सुनाता हूँ कि पहले अगर हमने दो ही चीजें पढ़ी है अभी तक यानी कि दो टाइप का एम्पलीफायर पढ़ा है, या तो इन्वर्टिंग या नॉन इनवर्टिंग. इनवर्टिंग टर्मिनल पे अगर इनपुट है तो हमें पता है कैसे निकालना है. अगर इनवर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट है तो हम लिखते हैं -RF/R1 × Vin के बराबर. अगर नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पे है तो 1+RF/R1 × Vin के बराबर, isn't it? लेकिन अगर दोनों पे है तो कैसे करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं. तो इसमें क्या मेथड अप्लाई करेंगे, दो स्टेप में सॉल्व करेंगे यानी कि इसको यूज करेंगे सुपर पोजिशन थ्योरम. सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं मैं आप लोगों को. आई थिंक सो आइडिया होगा कि अगर आपके पास दो एक रेसिस्टेंसेस इधर है और एक रेसिस्टेंस इधर है R2 और दो वोल्टेज सोर्स है. यहाँ पे एक V1 वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे एक V2 वोल्टेज सोर्स है, है ना. तो अगर आउटपुट बिकॉज ऑफ यानी कि क्या करेंगे V1 को हम एज ए आउटपुट लेंगे और V2 सोर्स को शॉर्ट कर देंगे. तो इसकी वजह से जो आपको करंट की वैल्यू मिलेगी, मान लो कि I1 कुछ मिला और फिर सेकेंड में अगर V2 को हम एज ए सोर्स लेंगे और V1 को शॉर्ट कर देंगे उसकी वजह से जो आउटपुट मिला दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा सुपर पोजिशन थ्योरम. ठीक है. यानी कि एक सोर्स को एज ए इनपुट लेंगे, दूसरे को शॉर्ट कर देंगे, दूसरे को एज ए इनपुट लेंगे और पहले को शॉर्ट कर देंगे, ये कहलाता है आपका सुपर पोजिशन. तो यही यहां भी काम करेंगे. क्या करेंगे, इनवर्टिंग टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे और नॉन इनवर्टिंग को हम इनपुट रखेंगे और दूसरे स्टेप में इनवर्टिंग को हम इनपुट रखेंगे, नॉन इनवर्टिंग को शॉर्ट कर देंगे. तो लेट अस यहां पे स्टार्ट करेंगे. यहां पे मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा लिख देता हूं. सो अप्लाई सुपर पोजिशन थ्योरम और कॉन्सेप्ट टू सॉल्व सर्किट, है ना. तो इस सर्किट हम क्या करेंगे, पहला स्टेप में स्टेप वन करेंगे. एज्यूम नॉन इन दैट इज द इनपुट इज गिवेन टू only inverting terminal. okay, inverting terminal पे सिर्फ input दिया जा रहा है
एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड. नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल जो है वो क्या है, ग्राउंडेड. और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, और उसे कुछ आउटपुट मान लेते हैं. एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज, कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट इज, आउटपुट इज V01. मान लिया कि अगर हमने सिर्फ एक इन्वर्टिंग को इनपुट लिया और नॉन इन्वर्टिंग को हमने ग्राउंड कर दिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे आउटपुट मिला वो क्या है, क्या कहलाया, इस तरीके से. इसको हमने मान लिया कि V01 हुआ. तो इस सर्किट को दोबारा ड्रॉ कर ले. तो हम जो सर्किट हमने बनाया है उस सर्किट में क्या चेंजेस करेंगे कि सिर्फ इन्वर्टिंग यानी कि माइनस टर्मिनल पे इनपुट दे देंगे इस तरीके से. ये दिस वन, ये V01 इसका नाम दे दिया. ये RF था तो ये RF रहेगा, ये R1 है तो R1 रहेगा, यहाँ पे V1 इनपुट रहेगा, और ये जो ये है ये पूरा ग्राउंडेड हो जाएगा. तो आप या तो जो जैसे दिया हुआ है उसको यूज करके ग्राउंड कर दीजिए, ये दोनों को आप यहाँ पे ये ग्राउंड और ये भी ग्राउंड, यानी कि भले R2 एंड R3 है इन दोनों का साथ यूज करके ग्राउंड कर दीजिए, या डायरेक्टली ग्राउंड कर दीजिए, यानी कि ये वाले को हमने ग्राउंड कर दिया. नाउ जैसे हम पहले अप्लाई करते आते हैं, अब इस टर्मिनल को आपने जो भी ए और बी मानना है पहले से मानते आए हैं. अब इसको मेरे हिसाब से सॉल्व करने जरूरत नहीं है, अगर आपको सॉल्व करने, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिराइव और सॉल्व कर चुके हैं. तो बिकॉज इट इज द, नाउ ये क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, क्योंकि अब माइनस में सिर्फ इनपुट जा रहा है, प्लस वाला पूरा यानी कि नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो डायरेक्टली इट इज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. एंड द आउटपुट V01 यानी कि द आउटपुट वोल्टेज V01 is given by inverting terminal का output लिख देंगे यहाँ पे. V01 is equal to minus RF divided by R1 into V1. तो direct ये हो गया. इसको हमें derive करने की जरूरत नहीं है because already हम divide कर चुके हैं. अगर derive करने की जरूरत भी पड़ती है तो आप previous जो हमने derivation इसका कर रखा है कि दोनों को virtual short कर देंगे, VA is equal to VB is equal to 0 और ये I1 is equal to IF से हम लोग इसको निकालेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी हम उसको डिराइव कर चुके हैं, या फिर डायरेक्टली हम जानते हैं कि इन्वर्टिंग का आउटपुट ये होता है. नेक्स्ट स्टेप, अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 वी अप्लाई हियर. इन स्टेप 2 हम अब नॉन इनवर्टिंग को इनपुट लेंगे और इनवर्टिंग इज ग्राउंडेड, यानी कि non-inverting terminal has only input and inverting terminal is grounded. ठीक है, आप लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, but inverting terminal is ground. इस तरीके से हम इसको एक आध sentence में लिख देंगे, terminal is grounded. And उसके corresponding output क्या होगा, and corresponding output is, corresponding output is, output is V02. That is nothing but, अब इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर लूं इस सर्किट को, तो लेट अस सी द सर्किट डायग्राम. अब हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्मिनल को यानी कि माइनस जो टर्मिनल है इसको हम कर देंगे ग्राउंड, यानी कि दिस इज ग्राउंडेड. यहाँ पे हो गया R1 एंड दिस RF जो है वो यहाँ पे आ गया. ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया V02. एंड अब यहाँ पे दोनों जो V2 जो टर्मिनल है इसको हम सिर्फ इनपुट रखेंगे, जैसे कि हमने ड्रॉ कर रखा है. तो दिस वाज R2, दिस इज R3. ओके, अगर आप इस सर्किट को देखो तो आपको देख के पता चलेगा कि ये क्या है, इनवर्टिंग यानी कि नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है. isn't it? अंतर क्या है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर में, यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट नहीं दिया हुआ. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आपका यही सर्किट कुछ इस तरीके से होता, माइनस ये जो है वो ग्राउंडेड होता R1 और यहाँ पे RF, ओके, और यहाँ पे डायरेक्ट आप V2 दिए होते, यहाँ पे V2, तो क्या लिखते आप या V1 लिखे रहते, तो यहाँ पे आपका आउटपुट होता 1+RF डिवाइड बाई R1 इनटू ये जो इनपुट दे रहे हैं वो V2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट नहीं आ रहा है, यहाँ पे V2 है विद रेसिस्टेंसेस. तो जो ये V2 की जगह पे जो यहाँ पे वोल्टेज अपीयर होगा इस टर्मिनल पे, यानी कि सिंपल वर्ड में इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो के बराबर. मान लो कि आपने यहाँ पे वोल्टेज ए है और यहाँ पे वोल्टेज बी है, तो जो VB के वोल्टेज के बराबर होगा, ये बस हमें करना है. तो लेट अस सॉल्व दिस.
बस एक दो स्टेप में इसको सॉल्व करना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस ये भी एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है एंड द आउटपुट V02 विल बी इक्वल टू दिस वन। लेकिन अब V की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ओके सो लेट अस फाइंड दिस। तो द आउटपुट या द आउटपुट V02 इज गिवन बाय from non-inverting amplifier V02 is equal to 1 plus RF divided by R1 into VB, equation number इसको 2 मान लिया, ठीक है। Now अब हमें क्या करना है, to find the VB को निकालने के लिए हम लोग कुछ apply करेंगे, to find the voltage VB apply KCL अप्लाई कर दीजिए नोड पे, अप्लाई KCL एट नोड बी, ठीक है। अब क्यों मैं इसके बारे में थोड़े में बात करूंगा, पहले अब हम क्या करते हैं, लेकिन दो चीजें ध्यान पर रखनी है। पहला मैं पहले भी बताया हूं, जितने भी हमने लेक्चर लिया उसमें करंट का डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में लीजिए, यानी कि आइदर इनकमिंग या आउट गोइंग, यानी कि ये अगर मान लो इसको हमने I2 मानता है तो इसका भी डायरेक्शन ये, और अगर I3 मानते हैं तो इसका भी डायरेक्शन ये रखेंगे, ठीक है। अब कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं, हमेशा डायरेक्शन एक ही रखेंगे, और क्योंकि टोटल ये जो सम होगा, सम ऑफ जो करंट होगा, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, तो I इज़ इक्वल टू 0, यानी कि I2 प्लस I3 इज़ इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। जैसे सिमिलर यहां भी मानते थे हम लोग, अगर इसको हमने यहाँ पे I1 माने हैं और इसको IF माने, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। आइदर आप चाहे एक डायरेक्शन में इनकमिंग की तरफ माने, मतलब अंदर की तरफ जाते हुए मानिए, या बाहर की तरफ आते हुए मानिए, बट बस एक ही चीज ध्यान पर रखना है कि करंट का डायरेक्शन हमेशा सेम रखना है। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे I2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस I3 की होगी, यानी कि एक पॉजिटिव में होगा और दूसरा नेगेटिव में होगा, इसी वजह से दोनों जो सम ऑफ करंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारा 0 होगा। तो ये बस एक चीज ध्यान पर रखनी है। अब आपको बहुत सारे लेक्चर्स या बहुत सारे बुक्स या बहुत सारे जहां मिलेंगे जहां पे आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया रखा है, यानी कि VB की वैल्यू को निकालने के लिए मात्र एक लाइन में आप क्या करेंगे, दिस वोल्टेज यानी कि वोल्टेज डिवाइडर रूल से V2 into R3 plus ये सेकेंड वाला ग्राउंड है, तो 0 into सेकेंड वाला क्या है R2 divided by total resistance R2 plus R3, ये वोल्टेज डिवाइडर रूल होता है, यानी कि जो वोल्टेज आपने दिया है उसके अपोजिट रेसिस्टेंस है V2 into R3, दूसरा वोल्टेज ग्राउंड है तो 0 into R2 divided by total resistance R2 plus R3। लेकिन ये तभी अप्लीकेबल होगा जब आपके पास सिर्फ दो इनपुट है, ध्यान रखना, अगर दो से ज्यादा तीन इनपुट होगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी या फंस जाएंगे कि भाई हम कैसे निकालें। तो इसलिए ये जो तरीका है KCL लगाने का, दो इनपुट हो, तीन इनपुट हो, चार इनपुट हो, या कैसे भी हो, इट इज अप्लीकेबल एंड इट विल वर्क फॉर एनी काइंड ऑफ इनपुट्स, ठीक है। तो इसी वजह से जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं वो है कि हम डायरेक्ट KCL अप्लाई करेंगे और दो से तीन लाइन में निकल जाएगा, यानी कि अगर हम KCL अप्लाई करेंगे तो ये I2 भी इनकमिंग है, I3 भी इनकमिंग है, इक्वल टू 0, यानी कि I2 plus I3 is equal to 0, okay? So I2 कहां से कहां के बीच में, V2 से VB के बीच में, यानी कि V2 minus VB divided by R2 plus यहां पे 0, क्योंकि ग्राउंड की जगह पे क्या हो गया, 0 हो गया, 0 minus VB divided by R3 is equal to 0। अगर यहाँ पे ग्राउंड की जगह पे V3 होता तो V3 minus VB हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसकी वैल्यू निकाल देंगे। हमें निकालना क्या, VB की वैल्यू निकालने, ताकि यहाँ पे पुट कर सके। तो V2 into R3, R3 से यहाँ दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस VB into R3 प्लस, यहाँ पे माइनस हो गया तो फिर हो जाएगा माइनस VB into R2 is equal to 0, बिकॉज नीचे वाला R2 into R3 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं जहां पे दोनों VB है उसको एक साथ, यानी कि इसको लिख सकते हैं V2 R3 is equal to VB, हमने कॉमन ले लिया कि मैं क्या मिल गया R2 plus R3। फाइंड आउट क्या करनी है वैल्यू आपको VB की, सो VB इज इक्वल टू V2 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। यही वैल्यू आपको मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे वोल्टेज डिवाइडर रूल। लेकिन अगर आपने जैसे ही वोल्टेज, नंबर ऑफ वोल्टेज बढ़ेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ेंगे सेकेंड वाले टर्मिनल पे, तो क्या है, आपको डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल को उसके थ्रू सॉल्व करना आपको,
अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है सिर्फ दो इनपुट आता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं V2 into opposite resistance R3 plus 0, क्योंकि दूसरा वोल्टेज जीरो है, into R2 तो जीरो ही हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी कि R2 plus R3, ये हो जाएगा आपका VV की वैल्यू। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब सिर्फ दो इनपुट हो, यानी कि दो वोल्टेजेस दिए हुए हैं इस टर्मिनल पे। अगर उससे ज्यादा वोल्टेज आएंगे तो फिर आपको ये जो KCL जो रूल है वो हमेशा, चाहे दो इनपुट हो चाहे तीन इनपुट हो, वो हमेशा एप्लीकेबल होगा। क्या ध्यान पे रखनी है आपको कि दोनों जितने भी करंट होंगे उन सब का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में रखना है, यानी कि आइदर इनकमिंग आते हुए या आउटगोइंग जाते हुए, ठीक है। लेट अस सी, तो अब यहां पर निकल गया VB की वैल्यू। नाउ दिस VB वैल्यू पुट इन द इक्वेशन नंबर 2, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VB, यहां पे हो गया सॉल्व, अप्रोक्सीमेटली इट इज गोइंग टू बी सॉल्व, यानी कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ VB इन इक्वेशन नंबर 2। सो क्या हो जाएगा, V02 इज इक्वल टू 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 इंटू VB की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, V2 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3। ओके, अब इक्वेशन नंबर 3। अब आपने V01 निकाल लिया, किसकी वजह से V01 निकला है, V01 निकला है इन्वर्टिंग टर्मिनल की वजह से, V02 किसकी वजह से निकला है, नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल की वजह से। सो दिस इज सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, सो फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, दिस V आउटपुट इज इक्वल टू V01 प्लस V02। सो क्या हो गया, V01 एंड V02 की वैल्यू, सो V01 हमने निकाला माइनस आर एफ डिवाइड बाई आर वन इंटू वी वन, और V02 की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस आर एफ डिवाइड बाई आर वन इंटू वी टू आर थ्री डिवाइड बाई आर वन प्लस आर थ्री, सॉरी आर टू प्लस आर थ्री। सो दिस इज ऑल अबाउट योर, अब आपको इसको जो वैल्यूज आ रही है डिफरेंस एम्पलीफायर को उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक एक यहाँ पे मैं केस भी दिखा दे रहा हूँ। सो आप यहाँ पे अगर केस मानते हैं, केस नंबर 1, कि अगर सबको R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RF अगर कर दें, सबको अगर R के बराबर मान लीजिए, तो जो ये वैल्यू होगा आप देखिए क्या आने वाला है, द वैल्यू ऑफ V आउटपुट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 विल बी कितना हो जाएगा, ये माइनस RF बाई R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी वन के बराबर, क्योंकि ये वन हो गया, और ये सारी वैल्यू ये हो गया वन डिवाइड बाई टू इंटू टू, ये हो जाएगा प्लस वी टू के बराबर, यानी कि वी जीरो आउटपुट इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, कंप्लीटली ए डिफरेंस एम्पलीफायर विदाउट एनी एम्पलीफिकेशन, यानी कि सबको अगर मैं बराबर कर दूं तो डायरेक्टली सिर्फ क्या करेगा, ये डिफरेंस करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस एम्पलीफायर। तो हमने डिफरेंस एम्पलीफायर को ना सिर्फ सॉल्व करना सीखा, बल्कि जो है हमने ये भी सीखा कि हमें इसको लिखना कैसे है। अगर एग्जाम में इसको डिराइव करने के लिए या एज ए डेरिवेशन या एज ए एक्सप्लेनेशन पूछता है, तो हम पहले इसको लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, फिर इसके बाद सर्किट डायग्राम करेंगे, फिर इसका एक्सप्रेशन दिखाएंगे, और फिर इसका टोटल फाइनल आउटपुट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अगर आप लोगों में से किसी, आप लोगों को किसी को भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। और अब अगले आने वाली क्लासेस में हम लोग इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जितने भी हम लोगों ने टॉपिक अभी तक पढ़ा है उस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे एक एक दो दो करके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले क्लास में।